नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक है पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। आजमगढ़ के स्वगृहित तहसील क्षेत्र के श्री केन सिंह महिला पीजी कॉलेज जीरपुर में शनिवार को विभिन्न विषयों पर छात्राओं ने आकर्षक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि फिर गांधी पीजी कॉलेज मलटारी की प्राचार्य सुचिता श्रीवास्तव और विशेष अतिथि जीनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्रबंधक निदेशक डॉक्टर सविंद्र विक्रम बहादुर सिंह और संस्था के चेयरमैन राज बहादुर सिंह ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शित मॉडल की सराहना करते हुए सुचिता श्रीवास्तव ने कहा कि आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आज की ही छात्राएं आगे चलकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज रोशनी यादव। जी। पुष्टा खान, स्मिता गौतम, ज्योति। ब्रेन के ऊपर जो क्रैनियम होता है वो बोनी बॉक्स होता है, जो हार्ट होता है ब्रेन को सपोर्ट करता है। और उसके पास 3 लेयर होती है, मैनी लेयर होती है, जो एक पन्नी की तरह होती है, जो ब्रेन को क्रैनियम लेयर कवर करती है, क्रैनियम से बचाती है। कोई भी शॉक लगे तो क्रैनियम से बचाती है। और उस तीनों लेयर का नाम होता है, फर्स्ट लेयर होती है पिया मेटल, सेकेंड लेयर होती है एड्रेनल मेटल, थर्ड लेयर तो ड्यूरा मेटल। और उसके बाद होता है हमारा ब्रेन, जो अंदर का पार्ट होता है। फोर ब्रेन होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ब्रेन फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हैंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सही ब्रेन और डायसेप्ट। मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, कॉर्पस मेडुला ऑब्लोंगेटा। और हैंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, बोन्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम थिंकिंग पार्ट होता है और वो सबसे लार्ज पार्ट होता है। अच्छा, आपने ये जो बनाया है इससे आप लोगों को क्या मतलब मैसेज क्या देना चाहती हैं? मैसेज सबको, सारे पार्ट को बताना चाहते हैं। मतलब ये जो ब्रेन है तो इसका मतलब मेन क्या मतलब उद्देश्य है? बॉडी के पार्ट मतलब इसका क्या मेन है? सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सारे वर्क नहीं कर सकती। और हमारी सारी जो फंक्शन एक्टिविटी होती है, फंक्शन होता है, उसे कंट्रोल करता है मोबाइल फ़ोन के चार्ज की तरह होता है। सर, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम था, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य के श्री केएन सिंह महिला पीजी कॉलेज जीएनपुर आजमगढ़। आज मेरे महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन स्थापित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गांधी पीजी कॉलेज मालटारी के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुचिता कुमार श्रीवास्तव जी एवं जीएनपुर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीएनपुर के कोतवाल भाई यादव पांडे जी और कमलनाथ शिक्षण संस्थान ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय श्री राज बहादुर सिंह और महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक आदरणीय डॉक्टर सरविंद विक्रम बहादुर सिंह जी के उपस्थिति में माँ सरस्वती के चितपट पर दीप प्रज्वलन करके फीता काट कर करके उद्घाटन किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा यह समाज को एक संदेश दिया, जो कि विज्ञान कहता है कि आओ हम करके सीखें। तो व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप में तो किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इन बच्चियों ने प्रैक्टिकली तौर पर बना कर करके और लोगों को यह दिखाने का प्रयास किया कि समाज में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि इस तरह से वातावरण को सुरक्षित किया जा सकता है, जल प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को किस तरह से दूर किया जा सकता है। आज सब बच्चियों ने
अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यह दिखाया और बताया कि जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है, उसके लिए जो है वातावरण को शुद्ध रखना बड़ा जरूरी है। इसलिए जो है बच्चों ने अपने प्रैक्टिकली कार्यक्रमों के माध्यम से यह समाज में एक संदेश दिया कि लोग जागरूक हों, पढ़ें लिखें और कार्यक्रम के द्वारा जो है बच्चियां प्रेरित होकर के समाज को एक संदेश दें और जिससे कि घर परिवार समाज राष्ट्र उन्नति कर सके।